नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज एएलपी और टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर का जो सीरीज हम लोग चला रहे थे, उसका आज प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर लेने वाले हैं। और एएलपी और टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर में, मतलब प्रीवियस कहने का मतलब 2018 में जो एग्जाम हुआ था, CBT 1 और CBT 2, उन सारे शिफ्ट में प्रॉफिट एंड लॉस के जितने क्वेश्चन आए थे, वो सारा क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को छोड़ करके कहीं जाइएगा नहीं। और इसके पहले भी हम बहुत सारे चैप्टर का प्रीवियस ईयर लाए हैं एएलपी और टेक्नीशियन का, लाइक सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड माफ करिएगा, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, नंबर सिस्टम। तो वो सारा क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, बोल रहा है 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपया था, यदि वस्तु को 330 में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत कितना होता, ये बोल रहा है। ठीक है ना, देखिए क्या बोल रहा है, अगर हम 435 में बेचते हैं तो 16% लाभ होता है। ठीक है ना, यानी कि ये कितने के बराबर है, तो आप बोलेंगे 116 के, तो 100 कितना, ये मेरा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं, चार बार में काटते हैं, 4 × 2 = 8, 4 × 9 = 36। ठीक है ना, 4 से काटते हैं इसको 25 बार में। ठीक, अब 29 से इसको हम काटते हैं तो 29 ये कट जाएगा 15 बार में। ठीक है ना, 15 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, अब 25 × 15 करते हैं तो 15 × 2 = 30, 300 और 15 × 5 = 75, यानी कि 375 रुपया जो है इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस 375 रुपया आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोल रहा, अगर 330 में बेचा जाता, अगर हम इसको 330 में बेचते तो क्या होता, 45 रुपए का, क्या बोल रहा है कि 330 में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत कितना होता, अगर 375 में खरीदे हैं 330 में बेचते तो 45 रुपए का लॉस होता। ठीक है ना, 45 रुपए का लॉस होता। ओके, तो बोल रहा लॉस परसेंटेज कितना, कोई बात नहीं, लॉस परसेंटेज के लिए यहाँ पे लॉस लिख लिए, नीचे में आपका जो सीपी है 375 वो लिख लिए और × 100 कर दिए। ठीक है, 25 से काटते हैं, 25 × 1 = 25। ठीक है ना, बचा 12, 25 × 5 = 125 और 25 से काटते हैं, 25 × 4 = 100। 15 से आपको पता होगा, 15 × 3 = 45, यानी 4 × 3 = 12। कहने का मतलब कि अगर हम 330 में बेचते तो 12% का मेरा लॉस होता, और 12% का लॉस ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है, ऑप्शन सी मेरा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन हमारे सामने, यह है। देखिए बोल रहा है 16,870 में एक मेज बेचकर एक दुकानदार को 1,080 रुपए की हानि होती है। अब बताए, कोई सामान हम लॉस में बेचते हैं तो कॉस्ट प्राइस उन दोनों को जोड़ देते हैं, तो भाई कॉस्ट प्राइस हम पहले निकाल लें, 16,870 में बेचे और लॉस कितना हुआ 1,080 का, तो 1,080 यहाँ पे हम जोड़ दिए तो आ गया 0, 8, 7, 15। ठीक है ना, 1 = 9, 6 और 1 = 7, यानी कि 17,950 रुपया क्या था मेरा कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, उसके बाद उसकी हानि का प्रतिशत दशमलव तक पूर्णांकित कितना, मतलब उसका लॉस परसेंटेज कितना, तो लॉस देखिए कितने का हुआ 1,080 का। अगेन यही प्रीवियस ईयर प्रीवियस क्वेश्चन का तरह ही है, देखिए लॉस परसेंटेज यहाँ भी मांगा था, क्या किया था, लॉस बटा सीपी इंटू 100, यही किया था ना, लॉस बटा सीपी इंटू 100, यहाँ भी वही करेंगे, लॉस बटा सीपी, सीपी मेरा कितना आया 17,950 और × 100 कर दिया। ठीक है ना, तो 0 से ये 0 कैंसिल, 5 बार में काटते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ दशमलव तक पूर्णांकित, यानी कि 1 दशमलव तक पूर्णांकित, मतलब डेसिमल के बाद आपको एक डिजिट लेना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं ना, 1 1 0 8 0 और ये 1 0 यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा, भागा कर देते हैं 1,795 से भागा कर देते हैं। ठीक है ना, तो डायरेक्टली 6 बार में जाएगा। अब बोले 6 बार में क्यों जाएगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन में सारा 6 पॉइंट के बाद है, यानी कि 6 बार में तो जाएगा कंफर्म है, ये है ना, तो डायरेक्ट 6 बार में हम इसको लगाते हैं, 6 × 5 = 30 = 0 हासिल 3, 9 × 6 = 54, 54 × 3 = 57 = 7 हासिल 5, 7 × 6 = 42, 42 × 5 = 47 = 7 हासिल 4, 6 × 6 = 6 और 4 = 10। ठीक है, हो गया 0, 10 में से 7 गया 3,
ठीक है ना, जीरो कैंसिल कर दिया, ठीक है ना, यानी 30 बचा। अब यहाँ पे डेसिमल दिए, एक जीरो, देखिए 300 यहाँ पे अभी भी नहीं लग गया, अब यहाँ पे वापस से एक जीरो देंगे, ठीक है, यहाँ पे एक जीरो। अब देखिए यहीं पे मेरा आंसर आ चुका है 6.0, उसके बाद आगे कोई डिजिट आएगा क्योंकि ऑप्शन में बोला दशमलव के बाद एक अंक लेना, तो देखिए 6.0 कहाँ पे दिख रहा है, 6.0 आपको ऑप्शन डी दिख रहा है ना, और यही मेरा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए हमारा अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोला एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का एक सही 1/3 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो एक सही 1/3 है, कहने का मतलब कितना हो भाई, तो 3 × 1 = 3 और 1 = 4, यानी 4/3, ठीक है। अब जब भी ऐसे बोले कि विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का इतना है, चाहे कुछ भी, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का इतना है, जब भी बोले तो जो पहले लिखा रहता है, यानी कि विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य, ये देखिए विक्रय मूल्य, तो ऊपर वाला विक्रय मूल्य हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा क्या, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है, और नीचे वाला जो दिया हुआ है क्या, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब आप ही बताइए, 3 रुपए में खरीदे हैं, 4 रुपए में बेचे हैं, तो लाभ कितने रुपए का हुआ, 1 रुपए का, तो यहाँ लिख लेंगे 1, ठीक है ना, 1/ क्या बोला, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना, देखिए लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो 1/ कॉस्ट प्राइस कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे, इंटू में 100% लाने के लिए, ठीक है। अब 100/3 जब इसको डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 33 1/3%, यानी कि 33 1/3% का मेरा प्रॉफिट हो रहा है, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है ना, ऑप्शन सी मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, देख रहे हैं टेक्नीशियन 20/8/2018 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 96 रुपए में खरीदी थी 96 में और 12.5% के लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 96 में खरीदा तो 96 100 के बराबर है, इंटू लाभ बोल रहा 12.5% भाई, 100% कॉस्ट प्राइस प्लस 12.5% प्रॉफिट, दोनों मिलके हो गया सेलिंग प्राइस, है ना, तो 100 + 12.5 कितना हुआ, 112.5। और ये सब क्वेश्चन में तो हम बोलेंगे आपको कि कहीं काटा कुटी कुछ मत करिए, सीधे सीधे एसओडी लगाइए, ठीक है ना। 9 यहाँ से कैंसिल हो गया, बच्चा यहाँ पे 6 और यहाँ बच्चा 5, 2, 7, 8 और 1, 9। 9 का मल्टीपल किसी भी नंबर से होता है तो उसका एसओडी 9 होता है, ठीक है ना। एसओडी का क्लास भी हम डिटेल में लाने वाले हैं चैनल को, आप लोग सपोर्ट करिए, बहुत अच्छा अच्छा ट्रिक, बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देते रहेंगे आप लोगों को, ठीक है ना। तो अब इस ऑप्शन में देख लीजिए, चारों ऑप्शन में किसका एसओडी 9 है, जिसका एसओडी 9 दिख जाए वही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 5 और 1 6, किसका आया 6, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 2, 3, 4, इसका 4 आया, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। 1 और 1 2, ये भी नहीं होगा। 8 और 1 9, यानी कि ऑप्शन डी मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 है को 15% हानि पर बेचा जाता है, यदि मूल्य में और 5% की कमी की जाती है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 1200 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, मतलब खरीदा है और 15% हानि पर बेच देता है, तो 15% हानि मतलब कितना भाई, तो आप बोलेंगे 85% पर बेच देता है, इंटू 100, ठीक है, ये आ गया मेरा। अब इसके बाद इसी चीज को बोल रहा है, ये जो मेरा अमाउंट आएगा सॉल्व, इसको सॉल्व नहीं करना अभी, ठीक है ना, एक बार में सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व अभी नहीं करना। तो इसी चीज को बोल रहा है कि वापस से यदि मूल्य में और 5% की कमी आ जाए, तो भाई आप बताइए, तो 100 में 5 क्या बचा, कितना बोलेंगे, 95, यानी इसका 95%, ठीक है, ये आ गया। तो बोल रहा है कि तब जाके इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब इसको हम लोग नॉर्मली सॉल्व करते हैं, ठीक है, 00 00 यहां से कैंसिल हो गया, ठीक है, उसके बाद हम लोग 4 से काटते हैं, 4 + 12, 4 से काटे ये 25 बार में, फिर 5 से काटते हैं, 5 × 25 = 25, 5 से काटते हैं 17 × 85, 5 से काटते हैं 19 × 95, ठीक है, तो 17 + 51, 51 × 19 करना है आपको, तो 51 × 19 जब करेंगे तो आपका आ जाएगा 9। यूनिट प्लेस में देखिए 9 × 9 है ना, यूनिट प्लेस में 9 होना चाहिए, नहीं है 9, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है 9, तो यही ऑप्शन बी में ही सिर्फ 9 दिख रहा है, और मेरा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगे हमको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। ऐसे भी जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 6 9 ही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5000 रुपया खर्च करता है, ठीक है,
5000 रुपया खर्च करता है, 12 मैच खरीदता है और कुछ कुर्सी खरीदता है। बोला एक मैच का मूल्य 50 रुपया। भाई 12 मैच खरीद रहा है, एक मैच का मूल्य 50 रुपया, तो 12 मैच का मूल्य हो जाएगा 12×5=60, यानी 600 रुपया। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइए, 5000 रुपया टोटल खर्च करता है, 5000 में 600 रुपया उसका खत्म हो गया, बचा कितना 4400 रुपया। अब आगे क्या बोल रहा है, एक मिनट, 4400 रुपया। अब बोला एक मेज का मूल्य 50 रुपया और एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपया। क्या बोला, कुर्सी का मूल्य कितना भाई, 40 रुपया। तो खरीदी गई कुर्सियों की संख्या, अब एक बात बताए, 4400 रुपया तो वो कुर्सी में खर्च कर रहा है, एक कुर्सी का दाम 40 रुपया है, तो डिवाइड बाई 40 करेंगे तो टोटल कुर्सी मेरे पास आ जाएगा कितना, तो 0 से 0 कैंसिल, 4×4, 4×4=0, यानी 110 कुर्सी। कितना, 110 कुर्सी है उसके पास, है ना। और मेज तो आपको पता है, बता दिया 12 मेज है, तो वही बोल रहा है कि खरीदी गई कुर्सियों की संख्या, कुर्सी कितना है भाई 110, और मेजों की संख्या, मेज कितना है तो आप बोलेंगे 12, इसका रेशियो कितना है, ठीक है ना। तो इसका रेशियो निकाल लेते हैं, 2 से कटाइए, 2×5=10, 2×5=10 55, ×2 2 से कटाइए, 2×6=12, यानी 55:6 जो कि ऑप्शन बी 55:6 आपको दिख रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोला एक विक्रेता 5 में 8 के भाव से एक निश्चित संख्या में केले खरीदता है और उन्हें 8 में 5 के भाव से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले ना, तो रुपया रुपया को और क्वांटिटी क्वांटिटी को एक जगह लिख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे ये रुपया लिख लिए और यहाँ पे ये क्वांटिटी लिख लिए, ठीक है ना। रुपया क्या बोल रहा है भाई, 5 में 8, रुपया के नीचे 5, क्वांटिटी के नीचे 8, फिर बोल रहा है 8 में 5, देखिए 8 अब यहाँ पे रुपया हो गया है ना, तो रुपया के नीचे 8 और क्वांटिटी के नीचे 5, ठीक है, ऐसे करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। माफ करिएगा, सेम नंबर रहे तो भी, अलग अलग नंबर रहे तो भी, सब जगह ये काम करेगा, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। तो 8×8=64 हो गया और 5×5=25 हो गया, ऐसा आ गया। अब इसके बाद याद रखिएगा, क्वांटिटी वाला जो भाग होता है वो मेरा कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है, और रुपया वाला जो भाग होता है वो मेरा सेलिंग प्राइस होता है, ठीक। अब 25 रुपया में खरीदे हैं, 64 रुपया में बेचे हैं, क्या कॉस्ट प्राइस हो गया मेरा 25, सेलिंग प्राइस हो गया मेरा 64, 64 रुपया में बेचे हैं, तो लाभ कितने का होगा भाई, तो आप फटाक से बोलेंगे कि 39, 9×5=14, हाँ से लेकर 2×1=3, 39 रुपये का आपका प्रॉफिट हो रहा है। वही बोला प्रॉफिट परसेंटेज कितना, तो 39 का प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस हो गया 25×100, तो 25 से काटे ये 4 बार में, 25×4=100 है ना, 39×4 करेंगे, 9×4=36, यानी 156, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। वैट शामिल करने पर एक टेलीविजन का मूल्य 14000 रुपया हो जाता है, ठीक है भाई, 14000 रुपया हो गया टेलीविजन का मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस 14000 हो गया, यदि वैट का दर 12% है, 14000 किसको डिनोट कर रहा है, वैट के साथ इंक्लूड वैट बोल रहा है ना, देखिए क्या बोल रहा है, शामिल करने के बाद इसका प्राइस जो है, शामिल करने के बाद इसका प्राइस 4000 हो रहा है ना, तो 14000 हो रहा है, तो 14000 जो है वैट इंक्लूड करने के बाद, यानी 100% हो गया आपका कॉस्ट प्राइस प्लस 12% वैट, तो 112, कहने का मतलब ये 14000 जो है 112 के बराबर है। तो बोल रहा है तो टेलीविजन का मूल कीमत कितना है, यानी कि सिर्फ टेलीविजन का कीमत कितना था, 100% कितना था, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए 4 से काटते हैं इसको, 4×2=8, ठीक है, बचा 3×2=32, 4×8=32, 4 से काटते हैं इसको 25 बार में, चलिए 28 से काटते हैं, ये हो गया 28×5=140, ठीक है ना, 00 यहाँ पे, 25×5=125, यानी 12500 इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, 21/8/18 का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है, एलपी और टेक्नीशियन का प्रीवियस का जितना क्वेश्चन हम देखे अभी तक सारा इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, हम यहाँ पे मान लेते हैं जो पूछ रहा है क्या, कि भाई उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, हम मान लेते हैं अंकित मूल्य 100 रुपया है, ठीक है, तो x का बोला 20% छूट देकर हम बेचते हैं, तो भाई 20% छूट दिए तो बचा कितना 80, x का 80%, ये हम सेल कर दिए, बोला सेल करने के बाद भी 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना, तो क्या बोला 600 रुपया है, 600 क्या है भाई,
क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 600 रुपया, तो भाई 600 रुपया तो क्रय मूल्य और 25% लाभ ले रहा ना, तो 600 का 125/100 देखिए, तो ये भी सेलिंग प्राइस हो गया और ये भी मेरा सेलिंग प्राइस हो गया ना। ध्यान से समझिएगा इस इक्वेशन को, हम एक बार फिर से बता रहे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, एक्स हम यहाँ पे मार्क प्राइस मान लिए, ठीक है, मार्क प्राइस में 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब 80%, तो एक्स का 80/100 ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया, बेच दिए, ठीक है, तो बोला 25% का लाभ हो रहा, खरीदे कितना में थे 600 में, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस हो गया, 25% लाभ यानी 125/100, ठीक है, अब ये भी सेलिंग प्राइस हो गया, तो ये दोनों बराबर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 100 से 100 कैंसिल, 10 से यहाँ पे 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद कट रहा है क्या, काटते हैं 4 से काटते हैं, 4 × 2 = 8 और यहाँ पे हो जाएगा 15, कहने का मतलब यहाँ पे हो गया 2x = 125 × 15, 125 × 15 / 2 कर देंगे, x का वैल्यू आ जाएगा, तो ये आपको ऑप्शन देखने से ही लग रहा है कि जो मेरा आंसर आएगा डेसिमल में आएगा, है ना, और ऑप्शन में आप देखिए सिर्फ ए नंबर ऑप्शन जो है डेसिमल में है और यही मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आइए आज का हमारा इस प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। बोला एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 है और विक्रय मूल्य 130 है, तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। भाई मार्क प्राइस 170 है और सेलिंग प्राइस 130 है, तो डिस्काउंट कितने का दिया है, 40 रुपए का डिस्काउंट दिया है ना, 170 में 130 गया बच्चा, 40 रुपए का डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है, मार्क प्राइस कितना है 170 है, तो डिवाइड बाई 170 × 100, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 400 हो गया, 400/17 है ना, तो 17 × 34 2 डेसिमल में ही इसका आंसर आएगा, सारा डेसिमल में, चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 17 × 34 बचा 60, 17 × 51, ठीक है, 23 point something कुछ, अभी भी दो ऑप्शन है, देखिए 23 यहाँ भी है, 23 यहाँ भी, आगे सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, तो 17 × 51, 60 में 51 गया बचा 9, 90 हो गया, ठीक है ना, तो 17 × 5 = 85, 23.5 वाला ऑप्शन कहीं दिख रहा है, जी हाँ ऑप्शन सी दिख रहा है, 23.53, और ये इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, नेक्स्ट और भी सारे चैप्टर का हम प्रीवियस ईयर लाने वाले हैं, बस आप चैनल को सपोर्ट करते रहिए, ठीक है, फॉलो करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, मिलते हैं अगले किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।